No.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
बलम कृष्ण सर्वे संतु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कलश्चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। तो हम बड़े आदरवार सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याणार्थ शरण कर रहे गए। यह आत्म संयम योग छठा अध्याय, थोड़ा सा जरा एकाग्र हो जाइए अपने आप में, बिल्कुल एकाग्र। भगवान से हमारी आज के दिन विशेष प्रार्थना है, हमें ये वरदान दे, हमारी बुद्धि विवेकिनी बने, ताकि भगवान जी के इस चोटी के ज्ञान के फरमान को हम समझ सके। उसके बाद जो हम समझ सके, भगवान इतनी कृपा हम सब पे करें, हम उसे अपना सके। ये भगवान विशेष आज के दिन कृपा करें, जो हम भगवान की वाणी समझ जाए उसे अपनाने की पूरी चेष्टा करें। आमतौर पर देखा गया धर्म स्थानों में, सुनने का शौक, आने का शौक, खाने का शौक, अपनाने का शौक नहीं। आने का शौक हाँ, सुनने का शौक, लेकिन अपनाने का नहीं। इस धर्म स्थान की लाज रखना, मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, अपनाने का भी शौक बना लो। भगवान करे मेरे से भी कहीं ज्यादा आप सबके मनों में अपनाने का शौक, श्रद्धा, लगनता और शब्दों मद हो जाए मैं अपनाऊंगे। क्योंकि वाणी का लाभ सुनने में बहुत होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपनाने में तो अनुमान ही लगाया जा सकता कितना लाभ अपनाने में। अंदर के आवरण खुल जाती हैं, हमारी गंदी वृत्तियां जो काम क्रोध है वो सदा के लिए भाग जाती हैं। जब आप अपनाने में लग जाते, जब आप दिन रात अपनाएंगे, पूरा अपनाया नहीं जाएगा, फिर आप पुरुषार्थ करेंगे, फिर आप गिर जाएंगे, फिर अपनाएंगे, फिर आप कोशिश करेंगे नहीं मैंने अपनाना, मैंने अपनाना, इस अवस्था पे मेरे हमारे भगवान कहते हैं जो रैम उनकी हालत पे तो घर उनके दिल में बनाता हूं। जब बार बार तरदत किए जाते हैं, कोशिश की जाती है, अपने आप को लगाया जाता है नहीं मैंने अपनाना जरूर, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं निराशा में नहीं जाऊंगी, मैं कभी भी अपने आप को निराशा में नहीं जाऊंगा, मैं पेसिमिज्म को अपनाने वाला, अपनी मिस्टेक को अपनाने वाला, मैं अपनी मिस्टेक को, मैं पेसिमिज्म को नहीं मानता, मैं निराशावाद को नहीं मानता, मैं तो आशावादी हूं। वेरी गुड, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब हमारी ये भावना बन जाती है कि मैंने अपनाना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। आज के दिन प्रभु हमें इतनी शक्ति दे, सुनने का शौक, आने का शौक, अपनाने का शौक, जिसने जीवन में उतारना शुरू कर दिया उसकी मंजिलें इस तरह जल्दी जल्दी आंतरिक तय होती हैं। जैसे हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे, अचानक हमें घर में अंदर जाना पड़ेगा, आंगन पड़े, इसलिए वायु का झोंका आया। कभी आपने देखा होगा जैसे ग्रंथ के पन्ने वायु के झोंके से एकदम 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 खुलती गए। जब अपनाने का शौक हो जाएगा, एकदम अंदर की मंजिलें तय होती हैं, एकदम अंदर के आवरण खुलती गए, शौक हो जाए। शौक के बाद क्या होता है, मन की भटकन बंद हो जाती है। मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, जब आप अपनाने का शौक पैदा करेंगे तो भटकन मन जो इधर उधर जा रहा था, व्यर्थ की आवारा गर्दी कर रहा था, आवारा गर्दी सिर्फ शरीर से नहीं होती, मन की आवारा गर्दी शरीर की आवारा गर्दी से बहुत ज्यादा खतरनाक है। बैठे बैठे पता नहीं कहां से कहां हवाई किले उड़ाता रहता है, बैठे बैठे कहां से कहां घोड़े दौड़ाता रहता है ख्यालों के, ये बड़ा खतरनाक हमारे लिए। क्योंकि हम अपने मन को एकार करके अपना कल्याण किया चाहती हैं, हम सब सब कल्याण कामी जीव है, अपने कल्याण के लिए तो इतनी दूर आते ना, देरी देखते ना, दूरी देखती हैं, भागे भागे आ जाती है, खेरते नहीं परवाह करते हम, लेकिन आती जरूर है। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है मेरी भगवती, बड़ी नारी का चोला, ग्रस्त आश्रम कलयुग,
कलयुग, नारी का चोला, फिर गृहस्थाश्रम, फिर इतनी दूर जंगल में आना और भगवान की दुरुह्य अति कठिन गीता को सुनना। रामायण हर जगह हो सकती है, भागवत पुराण हो सकता है, और कोई शास्त्र, लेकिन गीता जी कहीं नहीं सुना होगा कि गीता जी का लगातार सत्संग हो रहा हो। मानो ये गीता की पाठशाला है, ये सत्संग शाला क्या है, गीता पाठशाला है। रोज गीता जी सवेर शाम, लोगों को छुट्टियां होती हैं, एतवार होती हैं, या कोई और दिन आ गया, हमारे तो नहीं। आहा, इस इश्क का निराला वतीरा देखा, क्या महापुरुष क्या गए, अरे इस इश्क का निराला वतीरा देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वहां तो सबक याद करते छुट्टी देते, मास्टर जाओ भाई घर भाग जाओ, सबक सुना दिया। और यहां जो जो भगवान की वाणी को अपनाया जाता है, उससे धरा जाता है मन, और करता मैं और आगे बढ़ू, मैं और आगे बढ़ू, इतना रस, इतना आनंद, इतनी खुशी आती है कि एक अर्जुन क्या, हजारों अर्जुन कह भी नहीं रह नहीं सकते। जैसे मेरा और आपका अनुभव हो रहा है, ये बातें जो अमृत सिंह है आपकी, ओ मेरे शहनशाह, ओ मेरे सरताज, ये बातें जो अमृत सिंह है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी। देखिए मुझे भी 40 वर्ष गुजर गए आपकी सेवा करते हुए, और गीता ही मैंने लिया है। इन 40 वर्षों में गीता संपूर्ण हुई, फिर गीता, फिर गीता, फिर गीता, परमात्मा साक्षी है, ना मेरी तबीयत शेर हुई है, ना सुन सुन के आपकी तबीयत रजी। और दिल करता है, और दिल करता है कि हम और सुने, और गहराई में उतरे। जैसे समुन्दर की था अभी तक किसी ने पाई, इस तरह गीता की भी ज्ञान की था अभी तक नहीं पाई। क्या मुझे बरसों हो गए रिसर्च करते हुए, आपको बरसों हो गए एकाग्रता पूर्वक श्रवण करते हुए, एकाग्रता पूर्वक देवियां श्रवण करती हैं, लेकिन इसकी था पाना मुश्किल। कभी कभी हम कहते हैं अम्मा बड़ी भूख लगी थी, कितनी रोटियां पकाई, बेटे तुझे रोटियों से क्या मतलब, मैंने 10 पकाई हो, 100 पकाई हो, तू अपना पेट भर ले। इसी तरह चाहे अथाह सागर है गीता का, पर हमारी बुद्धि नहीं काम करती, पर यह है कि हमारी तृप्ति हो जाती है, हमारा कल्याण हो जाता है। सब प्रसाद करो मेरी देवी, एक एक दिन करके हमारे अनमोल जिंदगी के दिन गुजरते जा रहे हैं। कोई भी एक छोटी सी बात जो भगवान ने कहा है, वही है मेरा भक्त, तो जो उन्होंने गुण कहे हैं, थोड़े से गुण अपनाने में चेष्टा करो। हमारे आपके पास समय कम है, घर के धंधे हैं, लेना देना है, व्यवहार है, कमाना का समय है, आप मिलते तो नहीं भी सारा समय भगवान की ओर लगा दे, उसमें थोड़ा सा समय बचता है, भगवान आपसे उम्मीद भी नहीं रखते। भगवान ने सिर्फ आपके लिए, मैं क्या कुर्बान जाऊं आप समेत भगवान के चरणों में गिर जाऊं, जिन्होंने आपको देखते हुए ये कह दिया, जरा भी जो ये धर्म, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफ और खतर से बचा जाएगा, जरा भी। वारे मेरे कृष्ण, कितनी उदारता, कितनी समुद्र दिली है भगवान ने दिखाई, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफ और खतर से बचा, जरा सा कहा, मूल शब्द है स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्, स्वल्पम थोड़ा सा भी, इतना भी नहीं कर सकते मेरी देवियों, भगवान ने स्वल्पम का थोड़ा सा भी, ए लिटल, इफ इट इज अडॉप्टेड, बस जीव का कल्याण हो गया, ए लिटिल। अपने मन को समझाना, भगवान ने क्या कहा, और आप आपको आप रात जागती हैं, अच्छा, आप नींद छोड़ देती हैं, अच्छा, आप समय लगा करके जाप करती हैं, अच्छा, कारोबार आप कम करने लग गई हैं, गप्पे शप्पे कम माने लग गई हो, इस गली के मरने में घूमती नहीं, जो मेकअप में टाइम लगता था, मेरी बेटी कहती मैं मेकअप टाइम बिल्कुल ही लगाती, नाया धोया कंघी मारी सीधी उल्टी, बस कितना टाइम आप बचा लेती हैं। तो भगवान ने क्या कहा है ऐसे टाइम बचाने वालों को, पहले आप कितनी सब्जी, ये बराबर आप सब छोड़ दिया कि नहीं सिर्फ पेट भरना है, क्या क्या दाल रोटी खाओ तो समय अपना बचाओ, हरि के गुण गाओ, कितना बचा लेती हैं, किस तरह आप समय के कंजूस हो गई हैं, समय कोई धन का कंजूस, आप अपने समय के कंजूस ना, मैंने समय जाया नहीं करना, मैंने इधर नहीं जाना, टाइम बच गया, तो भगवान कितने खुश होते हैं। और आपके लिए कहा क्या क्या कर, ना कोशिश हो इसमें कोई, आपका ये पुरुषार्थ प्रभु कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कह रहे, कोई देवी देवता नहीं कह रहे, वो शेरावाली नहीं कह रही, या रुंड मुंड गले में पहनने वाली वो देवी नहीं कह रही, भगवान कह रही है नारायण, ना कोशिश हो इसमें कोई, रायगा रायगा कहते व्यर्थ, जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं ये व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके बाद कहती है वो रस्ते में उसके रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा जाएगा, कितनी गारंटी दी, आपका जो समय लगा रहे हो जाप में भजन में सत्संग जाया नहीं जाएगा, वाह, और जो लग पड़े हो रुकावट नहीं आएगी, वाह, और फिर का थोड़ा सा भी अपना लोगे तो वाह, रत्ती मन में संचरे सब तरकंचर हो। थोड़ा सा अर्थ महापुरुष से पूछा गया, गीता का क्या फरमान, थोड़ा सा से कल्याण, हाँ हाँ, मन पक्का दूध होता है, इतना सा जामन डलता है जोर की ताड़ी और वो सब के सब जम जाता है, इतना सा जामन, ये महापुरुष ने दृष्टांत दिया मेरी भगवती, मन पक्के दूध में क्या मन पक्का जामन होगा, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा जामन जो अपने हथेली पे आ जाए, या डाला ये पहले यूं डाल दिया करो, जब जमाया करो यूं यूं डाला, फिर उंगलियां जब जमाना उंगलियां खोल दो, ये पतीली के अंदर जम जाएगा, वो बराबर पड़ जाता है,
ये बड़े अच्छी भगवान ने हमें मीटर दे रखा है, ऊपर डाला फिर उंगलियां खोल दो, ए ये अंदर चला गया, बस इतना। ये तो थोड़ा सा मन में बस जाए, सुनाने को तुम्हें बहुत सुना रहा हूं, सुनने को भी मेरी भगवती मेरी देवियां मेरे सज्जन बहुत सुन रही हैं, पर अपनाने में थोड़ा सा। माने तो 40 फुलके बना रखी हैं, इतना बड़ा पतीला सब्जी का, इतना हलवे का, इतना अपने कस्टर्ड का बना रखा है, पर हमें तो एक एक कटोरी मिल जाए तो पेट भर जाएगा। वो इतने बड़े फुलकों में से 4 फुलके माँ दे दे, थोड़ा सा हलवा दे दे, थोड़ी सी सब्जी दे दे, बस। तो भगवान का तो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, पर थोड़ा सा अपना लीजिएगा, ये तो थोड़ा सा खा लेने से पेट अपना भर जाता है। भगवान के अनखुट भंडार ज्ञान में से ये थोड़ा सा अपना लीजिए। कितना सुंदर काम, मुझे बहुत प्यारा लगा ये फरमान, क्या न कोशिश हो इसमें कोई रायगा, वो रस्ते में उसके रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफ और खतर से बचा जाएगा। फिर भी नो फियर एट ऑल, संसार में नाना प्रकार के डर है, क्या मुझे बीमारी लग जाए, एक डर, मैं फेल ना हो जाऊं, ये डर देखिए, हमारी बदनामी ना हो जाए, ये डर, मुझे घाटा ना, मैं कितना डर गिराऊं, घाटा ना पड़ जाए, मेरा शरीर अच्छा है सुंदर है, कहीं कोई बीमारी लग के मेरा कुरूप ना बन जाऊं, देखते जाओ कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, देखते जाओ शहर में मेरी बनी बनाई इज्जत को गुडविल को धक्का लग जाए, देखते जाओ कोई कठोर शब्द बोल के मेरी मेरा अनादर ना कर दे, कितने भय। लेकिन भगवान कहते हैं थोड़ा सा भी अपना लिया गया कोई भी भय नहीं होगा, इतना मन आपका मजबूत जाता है। ये महाराज जी का फरमान है, अगर दिल है मजबूत, ये हजूर कह रही है गीता जी के अंदर। और मजबूत कैसे होगा भाई, तन तो मजबूत हो जाएगा दही से दूध से मक्खन से, लेकिन सच्चाई की बात जैसे आप और मैं अनुभव कर रहे हैं, बिना ज्ञान के मन मजबूत नहीं होता, बिना भगवान के फरमान के आप देखी बैठी मेरे देवियों, मन मजबूत नहीं हो सकता, ना हो रहा था ना होगा ना हो रहा है, ज्ञान के साथ मजबूत हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने ताड़ी बजा के क्या दोनों भुजाएं बुलंद करके कहा, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की, इतनी महिमा ज्ञान की, इतनी महिमा ज्ञान की, और इतनी महिमा ज्ञान की। नामे अध्याय को शुरू किया, बड़े मुझे हैरानगी होती है, ये इल्मे शही गए ये राशे शही करे पाक हर शय से बढ़ कर गई, कमाल। ये कौन कहेगा, दिस इज रॉयल नॉलेज रॉयल सीक्रेट, रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट, भगवान जी का फरमान, नो डाउट एग्जैक्टली इट इज रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। दुनिया में आप किसी को रॉयल नॉलेज रॉयल सीक्रेट नहीं कह सकते, ये इल्मे शही और राशे शही, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, इतना भगवान ने कहा। और फिर कौन कह सकता है भगवान के सिवा, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है भगवान के सिवा कोई नहीं कहेगा कि जो चोटी का ज्ञान है अर्जुन वो यही ज्ञान है, जो बात इसके साथ मेल नहीं खाएगी वो अज्ञान कहलाएगा। वाह, उसको हम अज्ञान कहेंगे, मियर इग्नोरेंस, नॉट नॉलेज बट मियर इग्नोरेंस। इतनी मेरे और आपके अच्छे भाग्य कि भगवान ने इस जन्म में हमारे कोई हमारी कमजोरियां नहीं देखी, हमारी त्रुटियां नहीं देखी, हाँ, और इतने चोटिया ज्ञान। वरना आप देखो कौन सी विशेष गुण थी आपके अंदर जो भगवान ने देख करके आपको गीता ज्ञान दिया, कौन से विशेष, जो गीता ज्ञान देने वाला है वो अपने मुंह से बोल के गीता शुरू करता है, हजारों में होगा कोई खाल खाल और जिसको फिक्र असूल कमाल। अर्जुन जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूं, हजारों में कोई कोई होगा जो इस ज्ञान के लिए तड़प पैदा करेगा, ज्ञान के लिए श्रद्धा प्रेम और लगनता दिखाएगा, कोई कोई है, हजारों में होगा कोई खाल 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 वेरी रेयर केसेस। बाकी लगन तो कमाने की रहती है, पढ़ने की रहती है, शादी की रहती है, शादी के लिए बड़ी कुर्बानियां कर बैठती हो, भगवान न करे यहां के आने वाले कहीं दिल लग जाए, वो कुर्बानियां कर जाओगे आप, मां बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दोगे, उनके उपकार जो बरसों के सब मिटा देते हो, इतने बड़े उपकार आप भूल जाती हो किसी के प्यार में। और यहां मेरे भगवान क्या कह रही है, कोई कोई होगा, शरीर के प्यार तो जल्दी हो जाती है पर दिव्य प्यार किसी किसी में होता है, ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो आप इतनी भगवान का प्यार, बस मैं हाथ जोड़ करके गीता जी को सिर पे रख के प्रार्थना करूंगा, क्या अपनाने का भी शौक पैदा कर लो। ये सब सामान भगवान ने पैदा कर दिए, लेकिन इस गीता की कसम, सुनने का शौक बहुत अच्छे, आने का शौक बहुत अच्छे, अब अपनाने का शौक भी पैदा करें, ताकि मेरा आना सफल हो जाए, आपका सुनना सफल हो जाए। मुझे 40 वर्ष हो गया, मेरा भी कहा था सुनाते सुनाते, आप इसको अपनाने में लग जाओ, मेरे भगवान मेरे पे प्रसन्न हो जाए कि जिनको सुनाया वो अपनाने में भी लग गए। मैंने कितनी बार कहा, महापुरुषों ने अपनाने की महिमा गाते हुए कहा कि सत्संग या ज्ञान एक बहुत बड़ा ढेर है, वैसे अनाज मंडी के अंदर गेहूं का बहुत बड़ा ढेर लगा होता है, मनो मन गेहूं इकट्ठी होती है, तो यहां भी गीता के ज्ञान का बहुत बड़ा ढेर, समझिए आपको तो बहुत बड़ा ढेर लगा पड़ा है, 18 अध्याय में 700 श्लोक और एक एक शब्द में भगवान की झांकी, भगवान का ज्ञान,
बहुत बड़ा ढेर है क्या ज्ञान का गीता जी के अंदर। तो आमतौर पर होता क्या है, तो महापुरुष यूं कहेंगे क्या क्या ज्ञान का बहुत बड़ा ढेर है, हाँ सुनाने वाले की पड़ोपी, सुनने वाले की पड़ोपी, सुनाने वाले की पाई, जो सुनने वाले हैं उस ढेर में से 5 किलो ले जाएंगे। अच्छा, और सुनाने वाले के आदर दिया जाता है, उनको नानक पाटा मिल जाएगा, क्या मतलब 10 किलो मिल गया आपको, 5 किलो हमारे जैसे को 10 किलो आदर जो देती है सुनाने वाले को, हाँ तो सुनने वाले की पड़ोपी, सुनाने वाले की पाई, तो ढेर तो इतना पड़ा हुआ, ये कौन ले जाएगा नंदलाल, ये कौन ले जाएगा मेरी बिटिया, 5-5 किलो आ गया हमें, हाँ मेरे 10 किलो आ गया मेरे हाथ में, इतना बड़ा ढेर। ध्यान से सुना महापुरुष क्या कमाल कर गए, सुनाने वाले की, सुनने वाले की पड़ोपी, सुनाने वाले की पाई, जिसने अपनाया उसने सारी ढेरी चाई, जोर खितारी जोर खितारी जोर खितारी जोर खितारी, क्या कमाल के बोल है, मुझे बहुत अच्छे लगे, जिसने अपनाया उसने सारी ढेरी चाई। ये सारी ढेरी कौन उठाए ले जाएगा, जो अपनाने वाला, जो जीवन में उतारने वाले हैं, जो जीवन में ढालने वाले मेरी भगवती, और शौक पैदा करे, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं उनके अंदर जो अपनाने में लग जाते हैं, और जो नहीं अपनाते उनके लिए भगवान बड़े नाराज हुए हैं, हमारे प्रभु जो आमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे, जैसे जमाना जा रहा है पेशतर अलूम उनके यहां सा फरेबो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर, जिनको शोक की नहीं है, जो मन में आया कर लिया, जैसे जमाने का हाल देखा बिला सोचे लग गए उसके अंदर, चाहे बाद में खून के आंसू क्यों ना बहाने पड़े, नहीं कितने शौक, मेरे भगवान खुश होंगे, देवी देवता प्रसन्न होंगे, कलयुग क्या लगे और गृहस्थी क्या लगे, और इतनी दूर भगवान ने सत्संग भवन बनाया, ये दूरी क्या लगे, और आपका इतना शौक, बस इस शौक को जरा मोड़ो, इस शौक को जरा मोड़ दो, जैसे हमने अपने रावी के दरिया का पानी मोड़ दिया, कहा नहीं जाने दिया अपने देश से बाहर, उसको कंट्रोल किया, कंट्रोल करके उसको ऊंचाई पर ले गए, ऊंचाई पर लेकर हमने गिराया और उसके अंदर टर्बाइन लगाई, और क्या कितना मेगावाट बिजली पैदा की, और कितनी फर्टिलाइजर जो है खाद बन रही है उससे, जितनी ये बनते गोविंदगढ़ में पानी का स्टॉक हुआ, आधी बिजली तो खाद में लग रही है, आधी बिजली और आधी आपके हाथ में आ रही है, शाबाश, इतना बड़ा लाभ, जो पानी फजूल जा रहा था, यूं भाग रहा था, तू कौन मैं काम का, तू कौन मैं काम का, तू कौन, यूं जा यूं जा यूं जा, खेतों में तबाह कर दे, सड़कों तोड़ दे, ये कर दे, और उसी पानी का इतना बड़ा लाभ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, दुनिया वाले हम तो क्या मुंह में उंगलियां डालती है, इतनी मेगावाट बिजली पैदा हो गई, जो बेकार पानी जा रहा था, हाँ जो बाढ़ आ जाती थी, कितना लाभ हो गया, हाँ सिर्फ कंट्रोल किया पानी को और ऊंचाई पर ले गए। इसी तरह हमारा मन भी पानी की तरह व्यर्थ, इधर सोच इधर का सोच, अगर संयम हो जाए भगवान के अनुसार और धीरे धीरे करके ऊपर उठने लग जाए, तो कितना लाभ हो रहा है आप देख रहे हैं, कितना कल्याण हो रहा है, सिर्फ मन का संयम और मन ऊपर चले भगवान की ओर, कितना बड़ा लाभ, कितना बड़ा लाभ है, शाबाश। वो मिट्टी का तेल जरा स्टोव में डालो, टैंकी में डाल दिया, जरा पंपिंग कीजिए, और वो मिट्टी का तेल ऊपर जाके गैस बन गया, और इतना कच्चा राशन आप पका लेती हैं, मिट्टी आग में इतनी ताकत नहीं जितनी के उसी मिट्टी के तेल या कैरोसिन ऑयल के अंदर गैस बन जाने में शक्ति बन गई। इस तरह अगर हम अपने मन को व्यर्थ के संकल्प विकल्प में ना गवाएं, व्यर्थ के राग द्वेष में ना गवाएं, इसको जरा ऊंचा करके भगवान जी का नाम लेते लेते ऊंचा चढ़ा दे, कितनी शक्ति पैदा हो जाएगी, अनुमान लगा लो, उसी तेल को कंट्रोल करके हमने गैस बना के इतनी शक्ति पैदा कर ली, इस तरह मन में बड़ी भारी शक्ति है अगर कंट्रोल कर लिया जाए, अगर ये अवस्था बन जाए ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मस्तद नशीन, और शौक पैदा करें अपनाने का। और मेरी बच्ची में बड़े प्यार से कह रहा हूं अपनी बेटियों माताओं को, शौक पैदा करो क्या अपनाने का, बाकी जितनी भी दुनिया में शौक है उसका परिणाम, उसका परिणाम पहले है अमृत फिर जहर, बाद में दुख कष्ट, उसका परिणाम, उसका परिणाम जो भगवान ने कहा है, तल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। कोई भी शौक, सिनेमा का शौक पैदा करो बाद में दुख, कोई भी पहनने का शौक बाद में दुख, आप मेकअप का शौक पैदा करो बाद में दुख, आप किसी से प्यार करने का शौक पैदा बाद में दुख है, बाद में दुख। शरीर प्यार के लिए कहा गया क्या, लव इज ए स्वीट पॉइजन, शरीरिक प्यार करना क्या होता है, ये एक मिट्टी जहर है, बड़ा चका, लव इज ए स्वीट पॉइजन याद रखना, संसारिक प्रेम क्या मिट्टी जहर है जहर पर मिट्टी है, इसका परिणाम बहुत गंदा है। सोच लो मेरी देवियों, सोच लो मेरी मेरे सजनों और मेरे धार्मिक भाइयों, गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान, भगवान की कितनी कृपा, कितनी कृपा, खुद महाराज जी मैं क्या करूं, भगवान खुद मैं गाते अपने ज्ञान की,
भगवान ने कुका खुद कहा ये मौका हो शाजो नादर नसी, कभी कभी ऐसा मौका, सिनेमा के मौके, शादियों के मौके और इज्जत के मान के बड़ियाई के और ये और मौके बतेरे मिलते रहती हैं, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन परलोक बनाने का, अंतःकरण निर्मल करने का, अपने आंतरिक सफाई करने का ये स्वर्ण अवसर, पलायमिट से गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत कम बहुत कम। जैसे वक्त एक अजीब किस्म का जा रहा है, चारों ओर देख रहे हो, तबाही तबाह करने वाले तो बहुत मिलती है स्थान, जहां जीव की बुद्धि खराब, मन खराब, तन खराब, धन खराब, टाइम बर्बाद, लेकिन ये लोक परलोक बनाने का भगवान का फरमान, जिसके लिए भगवान ने कहा क्या वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर, अगर वो नहीं अपनाने वाला और मन मुखिया के लिए कहा वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर, जो मन के अनुसार जुट रहा है वो दुश्मन है, जो भगवान के कथन के अनुसार जुट रही है जुट रहा है वो अपना मित्र है, अपने साथ खुद ही भलाई कर रहा है। मगर जिसको काबू है नफ्स पर, वो जिसको काबू है वो अपने साम गम खार है, वो अपने मित्र बना हुआ है। शाबाश, आज के दिन मेरे से रूम रूम से दुआएं लो, शुभ भावना यार गुड विशेष लो, और ये गुड विशेष को यूं लगाओ कि मैंने इसके कल्याण करना अपना अपना ना है। अगर मेरे में शौक कोई मजबूर थोड़ा करता है कि आप आओ, हर जगह आपको मजबूर किया जा सकता है, सत्संग में आने में, धर्म स्थान में जाने में कोई नहीं मजबूर करेगा, कोई भी मजबूर नहीं करेगा। ऐसे दृष्टांत मुझे बहुत एक दो मिले हैं। क्या दादा ने अपने बच्चों को कहा, ये अंबाला का दृष्टांत, कि या तुम नेक बन जाओ और धर्म स्थानों में चलो मेरे साथ रोज, या मैं ऐसा कदम उठाऊंगा जो सारी जिंदगी आप रोते रहोगे। ये अंबाला घटना जीटी रोड के नीचे ही घटना, ये दादाजी ने कहा, मेरे दादाजी नहीं, एक फैमिली है। मैं सुन के बड़ा खुश हुआ। कुछ दिन तो गए, 8 दिन 10 दिन, चलो महीना, तो दादा हमारे से नहीं जाया जाता, नहीं जाया जाता, तुम्हें मैंने लाखों की जमीन दी, तो मैंने इतने 3-4 मंजिला बिल्डिंग बना के दी, आप भगवान के पास नहीं जा सकते। अच्छा फिर सोच लो, नहीं गए, भगवान ने भी तो कहा है क्या यहां जबर से काम चलता नहीं। दादाजी इतने फरार हुए बद्दुआ दे करके, अब तक नहीं उनका पता लगा, और मैं भगवान की कसम ये बैठा हूं इसके ऊपर गद्दी पर, क्या हो गया, रोटी दाने दाने के लिए मुताज हो गए, जमीनें बिक गई, सारे शराबी कबाबी बन गए, लड़कियों की ब्याह बड़े मुश्किल हो रहे गए। मैं जानता हूं उस परिवार का कितना बुरा हाल हुआ। अब वो परिवार गली महल्ले में क्या, सारे अंबाला में रो रो कहता है असी तो भुल्ले पर कोई होर ना भुल्ले। बद्दुआ, हाँ दिल से निकली दुआ या बद्दुआ असर रखती। बच्चे पूरा प्रशायत करो, ओम ये नारी का चोला, आजकल तो देख रही हो आपका कितना दुरुपयोग हो रहा है, और भगवान पत्नी कौन से आपके पुण्य भगवान के सामने आगे गए, जिससे भगवान ने ये सत्संग किया, ये तो पुरस्कार है, ये रिवार्ड है, उस आपके किए हुए पुण्य का रिवार्ड, अवार्डेड वो लिखते हैं, उनको अवार्ड मिला, गवर्नमेंट ने उनको जो है पुरस्कार दिया, ये बड़ा भारी पुरस्कार, पता नहीं कौन से पुण्य का ये पुरस्कार है। हम तो देखते हैं कोई ऐसा पुण्य, हमें तो याद नहीं आता, अगर याद भी करते हैं गुजरी जिंदगी तो शर्म आती है। ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, ओ मेरे श्याम सुंदर, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे मन के राजा, ओ मेरे जिंदगी के गाइड फ्रेंड और फिलोसफर लाल कृष्णा, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे, प्रेम के आंसू गिरते हैं, सारी मेरी बच्चियां बैठे, अगर गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ाइए, ये देखा मैं अपने ताई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता, बल्ले बल्ले बल्ले, ये उनकी दया, ये अनुकंपा, ये उनकी बख्शिश, तो हम किस जबान से शुक्रिया करें। है कोई हमारे पास उपयुक्त शब्द जिसको प्रकट करके हम अपने आंतरिक प्यार को व्यक्त करें, ऐसा है नहीं, शब्द लूले लंगड़े हो जाती हैं, हमारे पास कोई उपयुक्त शब्द ही नहीं नजर आते कि क्या बोले, इतनी कृपा उसकी। क्या आज के दिन मैं आशा कर लूं, क्या आज के दिन अपनी कल्याण कामिनी देवियों से आशा रखूं, बाबा बोल कि आप अपनाने का शौक पैदा करेंगे, आप अपनाएंगे, जीवन में उतारेंगे, आप ढालेंगे जीवन के अंदर, आहा आप चल तो पड़े, स्पीड बढ़ाओ और अपनाने की कोशिश करो, कभी सुस्त हो जाते हो, कभी फिर कई दिन ना जाप में किया, भजन किया, प्रातःकाल उठे, अब कोशिश करो, कब से मैं आपको खींचे जा रहा हूं, लिए जा रहा हूं साथ 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 अपना, आपको अपने इस काफले में अगुआ बना हुआ हूं, लीडर बन के भगाया जा रहा हूं, लेकिन आज फिर भी मैं कहना चाहता हूं आप सबको, दुख की बात नहीं, ऐसा तो हर एक के साथ होता ही है, आखिर कब तक मैं आपको लीड करूंगा, कब तक मैं आपका अगुआ बना रहूंगा। अब अपने भरोसे भगवान से शक्ति लेकर के
बढ़ चलो, निकल चलो मेरे बच्चे, आखिर मेरी भी तो जिंदगी के दिन गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। कब तक के काफले को आगे करके मैं आपको कहूं, चलो भाई चलो भाई चलो, अब आपकी बुद्धि में इतनी ताकत आ जाए, आपके मन में इतनी ताकत आ जाए, आपकी श्रद्धा इतनी प्रौढ़ हो जाए, आप स्वयमेव बढ़ चले, स्वयमेव आपकी वृत्ति लग चले, स्वयमेव आपका मन सेंट्रलाइज हो जाए, ताकि आपको मजा आ जाए। हमें भगवान ने इस जन्म में गीता दी थी, किसने गीता सुनाई थी और हमने सुनी थी और अपनाने का शौक पैदा किया था। बड़े मेरे भगवान खुश होते हैं। मैं कैसे भगवान को कहूं कि आपको सपने में यह अनुभव करवाएं, अगर वैसे नहीं अनुभव करवाते, अनुभव करवाए कि भगवान कितने खुश होते हैं जब आप सुनती हैं और अपनाने की कोशिश करती हैं। भगवान मेरे बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत ही गदगद होते हैं भगवान। तीन बातों में मैंने पढ़ा बड़े खुश होते हैं, क्या? जब आप किसी मोहताज की सहायता करते हैं, सुनो मेरे शास्त्र की बातें, जब आप किसी अधिकारी की कुछ गर्ज रख की नहीं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, अच्छा, और जब आप भगवान जी का निस्वार्थ भाव से जाप भजन सत्संग गीता पाठ करते हैं, देखिए, और जब भगवान से अगर चाहती है तो ये चाहती है, प्रभु केवल आपका दीदार और कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की जब कोई चीज की तमन्ना, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जब आप पुरुषार्थ करते हैं धार्मिक, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जब अधिकारी की आप सेवा करते हैं और वो आपको दुआएं देता है, वो दुआएं नहीं देता, भगवान जी होंठों पर बैठ करके आपको शुभ भावनाएं देते हैं। इन तीन अवसर पर भगवान बड़े प्रसन्न। क्या तीनों आप कर रही हैं? तीनों में तो एक कभी तो करती होंगे, जाप तो कर लिया, बड़े प्रसन्न होते हैं प्रभु। दिल तो नहीं करता संसार की फला चीज मांगू, फिर भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ये फिर मेरा चोटी का भगत नहीं है, क्या है ये, खाओ यार। कह रब्बा मैंने जाप करवाई जा, ये फिर बात ना बनी, तो दुकानदारी हो गई, गिविंग एंड टेकिंग। दुकानदार को रुपया दिए जाओ, चीज लेते हो उसके इवज में, भगवान का जाप किया उसके जाप में कुछ इवज में मांगा ना। उसको भगवान ने चार प्रकार के भक्तों में पहले दो प्रकार के भक्त कहा है, क्या? एक तो कोई दुख पड़ा तो भगवान के दरबार में आ गए, और एक कोई कमी महसूस ही भगवान के दरबार में आ गए। लेकिन भगवान को तो जिज्ञासु और ज्ञानी भगत बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं जिज्ञासु से, जिनकी भगवान के सिवा और कोई तमन्ना नहीं, जिनका रोम रोम पुकार के कह रहा है इच्छामि न किंचित अपि प्रभो, इच्छामि ते दर्शनम, कुछ नहीं चाहिए मेरे परमात्मा, केवल आपके दिव्य दर्शन चाहिए और आपकी जात में समा जाना चाहता हूं। कभी कभी क्या, सवेरे जब उठ बैठती और जाप में बैठती तो कहा करो, प्रभो बस मेरी यही तमन्ना है, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तार है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है। मांगो अपने प्रभु से ऐसा वरदान, मांगो ऐसी अपनी आंतरिक इच्छा, अंतर्यामी से प्रकट करो, केवल मेरी यही इच्छा है कि मैं जन्म मरण के चक्कर में ना आऊं, मैं तेरी माया के चक्कर में ना आऊं, मैं वासनाओं कामनाओं के चक्कर में ना आऊं, ऐ चक्करधारी मैं तेरे में समा जाऊं, इस तरह समा जाऊं जैसे गंगा सागर में समा जाती है और एक मेघ हो जाती है, इस तरह मेरे मालिक मैं आप में एक मेघ हो जाना चाहता हूं और हमेशा के लिए आप में समा जाना चाहता हूं। भगवान वो दिन, शुभ दिन, अच्छा दिन, मुबारक दिन कब आएगा, जब आपका फरमान ये मेरे पे लागू होगा, मकामे वो अल्लाह मेरा है वही पहुंच कर जहां से, ऐसा तरसा करो पहुंच कर जहां से न लौटे, वो दिन कब आने वाला है, वो मेरे जीवन में दिन कब आएगा जब मैं आपके इस श्लोक के अनुसार अपना जीवन बना लूंगा, क्या क्या, जहां पहुंच कर फिर जी वापस नहीं आते, सदा के लिए समा जाते हैं। दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण, कहा भगवान ने, उन निर्वाण जाती हैं, अर्थात वो भगवान की जात में समा जाती है, एक मेक हो जाती है। और क्या कहने, बार बार कह रहा हूं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना, अपनाने का शौक पैदा कर मेरी भगवती, अपनाने का शौक। गीता के कृष्ण ने बार बार जोर दिया है, भगवान ने डराया भी गए, क्या, कोई आत्मा से तज्जुब में आए, कोई बात हैरत से इसकी सुनाए, कोई जिक्र सुन के हैरान है, मगर सुना कर भी भगवान ने अनजान कहा। और इधर कहा, हाँ अर्जुन, जब मैं विशेष बुद्धि दे देता हूं तब तो वो लोहे से कुंदन हो जाता है, देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाते हैं मुझसे वासल वो लोग। कमाल किया हमारे प्रभु ने यूं फरमा करके, यूं कह करके, लो अपने भगवान से विवेकिनी बुद्धि, अधिकारी बनो मेरे सजनों, करो अपनी इस मिट्टी को अक्सीर बना लो, आखिर तो हमारे शरीर में छूटना है, पांच तत्वों में मिल जाना है, पर कितना अच्छा हो शरीर छोड़ने से पहले हम परमार्थ की मंजिलों को तय कर ले। मेरी बच्चियां काफी अपने अंतःकरण को निर्मल करके अंतर्मुखी, जब जाना ही है तो तैयारी क्यों ना करें, अपने अंतःकरण की कमजोरियों को क्यों ना निरीक्षण करें और उनको फेंके बाहर भगाएं, कि नहीं बहुत हो गया अपने अंदर बैठे हुए, अब इनको निकालें,
और भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाए, अपना कल्याण कर गुजरे। आखिर में कहना चाहता हूँ, कभी ना भूलना, भगवान इतना उपदेश देने के बाद बड़े प्यार से मुझे और आपको कहते गए, जो जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा। 18वें अध्याय के आखिर में कह रहे हैं, तो रहमत में उनकी समा जाएगा, सदा रहने वाली शांति सकूं बका उनसे पा जाएगा। बार बार मन कहो कि मैंने शांति के स्थान या शरण का स्थान भगवान को बनाना, संसार की शरण नहीं लेनी, जाए पना अर्थात भगवान की शरण, जाए मैंने स्थान, पना मैंने शरण, भगवान की एकमात्र मैंने शरण लेनी है, बाकी शरण जितनी भी है टूटने वाली फूटने वाली छूटने वाली, एक भगवान की शरण है जो हमेशा थी है और सदा रहेगी। इसलिए भगवान बड़े प्यार के लहजे में कह रहे गए, तो जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी अपनी हस्ती क्या है, मन और बुद्धि। भगवान कहते हैं अपनी मन बुद्धि में मेरे में लगा कि सदा अपना कल्याण कर जा, सदा अपनी साथ आप खुद ही भलाई कर जा। गीता इंसान को निराशावादी नहीं बनाती, गीता इंसान को आशावादी बनाती है। और आप जानती हैं, जा चाह वा राह, जब मन में चाह गर्मा गर्म बन जाती है कि ये काम तो मैंने करना ही है, कि चाहे मुझे कितने ही कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़े और कठिनाइयां विकट क्यों ना हो जाए, मैं अवश्य में उनको फेस करूंगा, तब तो भगवान की पूरी पूरी सहायता होती है मेरी देवियों मेरे सज्जनों। तो भगवान ने ये दो उपाय बताए जिसका हम लाभ पूरा पूरा उठा रहे गए, भविष्य में भी जब तक मन पूर्ण रूप अंतर्मुखी ना हो गया उठाते रहेंगे। क्या कहा भगवान ने, याद रहेंगे, भुलाने योग्य नहीं है, मन में सदा के लिए रखने योग्य है, पूर्ण रूप रखने योग्य है, वैराग और अभ्यास में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। भगवान शक्ति दे रहे हैं, भगवान जी की इस दिव्य शक्ति का हम सब पूरा पूरा लाभ उठा रहे गए और भी उठाने की चेष्टा करते हुए मन को इन दोनों साधनों का लाभ उठाकर अंतर्मुखी कर लेंगे, ये हम सबको पूरा यकीन है। आगे बढ़ेंगे। अब मेरे भगवान कह रहे हैं, अब भगवान जी ने नेगेटिव साइड ली अर्थात पिक्चर का डार्क पहलू लिया, जिनके वैराग से काम लेते हुए वो तो योग कमाने में सफल हो जाते हैं और अपना उद्देश्य पूरा कर लेती हैं, इसके उलट जो मन पर हावी नहीं आते, चेतावनी दे रही है, ये चेतावनी हमारे लिए भी, कभी मन बिगड़ने लगे जबकि मन इधर उधर जाने लगे तो भगवान क्या फरमाती है, असंयतात्मना योगा दुष्प्रापाइति मे माति वश्यात्मना तु यतता शक्यावाप्तुम उपायता। हरिओम हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। अगर नफ्स पर जब्त कामिल नहीं, अगर किसने अपने आप पर पूरा कंट्रोल नहीं किया, अपने मन पर निग्रह नहीं किया और मन अंगों द्वारा बाहर जाता है, देखने का शौक, सुनने का शौक, घूमने का शौक, जो है आने जाने का शौक, स्पर्श का शौक, खाने पीने और लज्जत उड़ाने का शौक, तो भगवान कहते हैं ऐसा जीव दोनों जहां से मारा जाता है। योग की बात तो बड़ी दूर रही, वो दुनियावी फर्ज भी पूरे अदा नहीं कर पाता। करे नफ्स पर जब्त काबिल नहीं तो फिर योग इंसान को हासिल नहीं, वो योग के काबिल बिल्कुल ही नहीं होगा, इंटायरली इनकेपेबल, इंटायरली अनफिट, वो एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल है किसके, योग के, क्योंकि योग कमाना है मन ने। मन अगर प्री एंगेज रहा हेयर देयर एवरीवेयर तो मन भगवान में कंसंट्रेट तो हो ही गए नहीं, ये तो आप भली प्रकार जान रही हैं मेरी देवियों मेरे सजनों। कंसंट्रेट तो मन तब होगा जब चारों ओर से अपने आप को विड्रॉ करे, जैसे कि भगवान ने दृष्टांत दिया, यू बेटर नो, क्या जरा सा भी दे कोई कछुए को छेड़ तो लेता है फौरन सुकेरे, जो हर शय से अपने हवास वो है कायम लक लक्षण, जैसे कछुए को जब भय लगता है तो अपने सारे पांचों अंगों को अपने में ले लेता है, गोर बटोल बन के रह जाता है। इसी प्रकार जिसने अभ्यास करना होता है वह अपने पुराने विषयों से अपने अंगों को और मन समेत अपने भीतर कर लेता है। ऐसे जीव के लिए योग कमाना आसान है, लेकिन जो इधर विशेष ध्यान नहीं दे रही या गंभीर चिंतन करता हुआ नहीं विशेष ध्यान देता, उसके लिए क्या ना खुदा ही मिला ना वसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसे जीव कहीं के नहीं रहते, कहीं भी मोक्ष नहीं प्राप्त करते, ना इधर गुड हाउस होल्डर और ना इधर गुड डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, दोनों तरफ अपने आप को अच्छा नहीं लगा पाते। पर मुझे पूरी उम्मीद है आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आपका मन पूर्ण रूप एक और झुक के अपना कल्याण किया चाहता और कल्याण कर ही लेंगे, तो फिर योग इंसान को हासिल नहीं। फिर फरमाती है प्रभु, मगर नफ्स पर हो जिसे इख्तियार, जिसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, अपने आप को अंतर्मुखी बना लिया, मुनासिब वसायल से हो कामगार। और जब विचार करें,
इसमें फरमान में भगवान ने पिक्चर की दोनों साइडें ली, रोशनी वाला पहलू भी और अंधकार पहलू, लाइट एंड डार्क साइड, दोनों भगवान ने बयान करके हमें हमारा कल्याण कर दिया। पहले डार्क साइड दी है कि योग कमाने के लिए, योग क्यों कमाया जाए? अपने कल्याण के लिए। कल्याण क्या होता है? नाना प्रकार के दुखों से छूट जाना। बड़ा भारी संसार में दुख हमारे वैदिक धर्म के अनुसार क्या माना गया है? आवागमन। ये सबसे बड़ी बीमारी मानी गई है मेरे देवियों, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? आवागमन, आना जाना, मरना, फिर जन्म लेना। क्यों ये बाबा जन्म है? हमारी अपनी कमजोरी और अपनी अंदर की अज्ञानता के कारण से। तो आप लोग जो चाहती हैं कि मैं अपना कल्याण कर जाऊं, आवागमन के चक्कर में ना आऊं और ये आदि व्याधि उपाधि से सदा श्रद्धा के लिए छूट जाऊं, तो फिर योग के बिना तो कोई चारा ही नहीं। जो स्टूडेंट चाहता है कि मैं हाई क्लासेस कॉलेज की पढ़ूं, तो फिर लगातार उसे प्रेस्क्राइब कोर्स को तैयार करना होगा। जो भी पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी ने किया है, निश्चित या निर्धारित किया है, उसे उसमें पारंगत होना होगा, कोई शक नहीं। हम कहें कि मैं पढ़ूं भी नहीं और डिग्रियां मेरे हाथ में आ जाए, बिल्कुल होपे अगेंस्ट हो। इसी प्रकार जो चाहता है मैं नाना प्रकार के दुखों क्लेशों छूट जाऊं, तो भगवान कृष्ण के लिए योग कमाना बहुत जरूरी है। भगवती उनके लिए जरूरी जो कल्याणकामी जीव बन गया है। दुनिया वाले हैं काम कामी और आप हैं कल्याणकामी। जो कल्याण की इच्छा रखती है वो है कामना पूरी करने की इच्छा रखती है कि मेरी ये फला वासना है, मेरी फले कामना है, मेरी ये वासना है और ये मेरी इच्छा है, ये मेरी आयशना है, ये पूरी हो जानी चाहिए। तो उनका मारे कुछ और है, आपका मारे बिल्कुल ही कुछ और है। उनका मारे कामना निस्सार है, कामना से कोई चैन और करार था नहीं, है नहीं और कभी होगा नहीं। इसलिए आपका मन इससे उपराम हो गया। मन सोच बागियां भले ही दिखाए पर अब आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि असलियत की पहचान आपको होती जा रही है। आपको ये बार बार पता लग रहा है तुझे दुख की दुनिया आई फैनी, ये फैनी और दुख से भरी हुई है। अगर इसमें राय बराबर सुख मान भी लिया जाए तो पहाड़ जितना दुख है, जो पहाड़ जितने दुख को देख कर राय जितना सुख भी हमें कुछ महसूस नहीं होता, कुछ बात सिरे नहीं चढ़ती, देन कम ऑन। तो भगवान कह रहे हैं फिर हम हमारा अंतःकरण मानता गए कि योग हमारे लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, बहुत हमारे लिए अपरिहार्य है। तब भगवान कहते जिन्होंने अपरिहार्य और अनिवार्य मान लिया तो वो जुटेंगे, लगेंगे, बढ़ेंगे, क्या अपने मन को अंतर्मुखी करेंगे। और थोड़ी सी कठिनाई इसी में आती है मेरे सजनों, मेरी कल्याण कम देवियों, मन को अंतर्मुखी बनाना और मन नामे विचारों का। जब बार बार ये हाई थिंकिंग वाले विचार, भगवान के शक्तिदायी विचार महाराज जी के मन को दिए जाएंगे, पढ़े जाएंगे, सुने जाएंगे, एकांत में बैठकर बार बार मनन किया जाएगा, तो मन अंतर्मुखी हुए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि मन को गलती लगी हुई है जिसको हम अज्ञानता या अविद्या के नाम से पुकारते हैं। जब ये अज्ञानता और विद्या हमारी बार बार पढ़ने से, सुनने से, विचार करने से खत्म हो जाती है तो मन अपने आप में चला जाता है। मन विचारों के अतिरिक्त कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं। जिन्होंने अपने विचारों को बहुत बढ़िया बना लिया बस, तो जो नीचे रहने वाला मन था वो हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा की समाप्त का मतलब बुद्धि में मिल जाता है। जब आपके उच्च कोटि के विचार बन जाते हैं, शक्तिदायी विचार बन जाती हैं, तो मन का अपना अस्तित्व नो मोर, मन का अपनी कोई हस्ती नहीं रहती। जब नेगेटिव थॉट्स हो, काम बढ़े, क्रोध बढ़े, मोह बढ़े, लोभ बढ़े, अहंकार बढ़े, निंदा बढ़े, राग द्वेष बढ़े, तब मन का अस्तित्व माना जाता है। जब ये सारे के सारे इन डिक्रीजिंग पॉइंट पर हो तो मन अपने आप को खत्म कर रहा होता है। अगर नेगेटिव क्वालिटीज इंक्रीजिंग पॉइंट पर है, बढ़ती जा रही है, तो मन जवान होता जा रहा है। अगर ये घटने पर है तो मन खत्म होता जा रहा है। और घटती कब है? जब हमारा एकमात्र उद्देश्य क्या अपने कल्याण का बन जाता है कि मैंने अपना कल्याण करना, अपना मिशन ऑफ लाइफ सिर्फ ऐसा रहता है जो मेरे प्रभु ने कहा है, जिस तरह मेरे भगवान ने हमें जो राह बताई अपने लोक परलोक बनाने की, मैंने केवल बात उसी राह पे चल कर अर्थात मन बुद्धि को उसी पे लगा के अपना लोक परलोक बना रहा है। कुछ भी क्यों ना हो, चाहे मुझे कितनी मुसीबतें आफतें अड़चनों का मुकाबला क्यों ना कर, मैं हंस के अड़चन बर्दाश्त कर लूंगी, मैं इसको हंस के सह लूंगा। उनका मन अपने अपनी शक्ति खो बैठता। इस दृढ़ निश्चय के आगे मेरे देवियों सजनों मन की फिर दाल नहीं गलती। मन हार मान लेता है, या मुझे यूं स्पष्ट बोल देना चाहिए अपने घुटने टेक देता है कि बस नाउ नो मोर। तो अगर ऐसों के लिए हमारे श्रद्धा है, जब हमारे मन के राजा, हमारे जीवन के गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, मेरे देवियों सजनों फरमा रहे हैं ऐसे जीव बस अपना कल्याण कर जाते हैं, ऐसे जीव का कंसंट्रेशन बड़ी शानदार बन जाती है, एक आदर्श कंसंट्रेशन को वो इंजॉय करते हैं। कंसंट्रेशन हुई तो जीव अपनी जात में तलीन हुआ, परमात्मा की जात में तलीन होने में कोई डिस्टेंस तो नहीं है जो कवर करना है। कहीं बाहर जाना हो, दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है या बम्बे जाना है, तो काफी डिस्टेंस है, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एयर हम इनको कवर कर सकती हैं। लेकिन जहां तक परमात्मा की जात में तलीन होना, वो तो मेरी और आपकी आत्मा इंडवेलर है,
हमारे जो है अंतर्यामी है उसमें केवल 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 अपने आप को एकाग्र करना होता है। तो एकाग्र मन किसका होगा? जिसका मन पवित्र होगा। तो पवित्र किसका होगा? जो संसार की संसारिकता से, संसार के प्रपंच से अपने आप को खींचता है। कौन खींचेगा? जो प्रपंच को निस्सार जानेगा कि प्रपंच कुछ नहीं है सिवाय धोखा के, सिवाय दुख तकलीफ चिंता और वेवरिंग और टॉसिंग के कुछ भी नहीं है। तो मन हमारा क्या उपराम हो जाता है, मन खट्टा हो जाता है। कई बार हम देखते हैं एक कोई कपड़ा आप बड़े चाव से लेते हैं, बड़ा कीमती, थोड़े दिनों पहनने के बाद लाफ सेचुरेशन या लाफ डिमिशिंग यूटिलिटी के अनुसार वो अब अच्छा नहीं लगता। कोई स्थान अच्छे लगते हैं, कुछ समय के बाद नहीं अच्छे लगते। कोई मित्र अच्छे लगते हैं ही और शी, पर कुछ समय के बाद नहीं अच्छे लगते। ड्रेस अच्छी लगती, ऐसी मेरी भगवती की शांति और भी बढ़ेगी, और भी बढ़ेगी। तो मन नो मो। अब इसके उल्ट भगवान ने कहा कि जिनका ये अवस्था बन गई वो तो ले जाएंगे बाजी। लेकिन जो अपने मन पे निग्रह नहीं करना चाहते, मन को तो खुली छुट्टी दे रखी है और चाहते हम योग कमाए, भगवान कहते बिल्कुल भी नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। योग कमाने वाला अगर बार मुखी है, योग कमाने का फिक्स फैक्टर कौन है? माइंड। और अगर मन ही बार मुखी है तो योग कमाएगा कौन? आपने अपने बेटे को ट्यूशन रख दी इंग्लिश में, वो वीक था, उसकी एफिशिएंसी पूरी करने के लिए जो है आपने रखा कि मैं इसकी एफिशिएंसी पूरी कराऊं, लेकिन वो तो 6 बजे का टाइम है, वो 6 बजे प्रोफेसर तो आते हैं, अपना टीचर तो आते हैं, ट्यूटर आती हैं, लेकिन पढ़ने वाला नहीं है। टीचर इज देयर बट टॉट एब्सेंट, तो टॉट एब्सेंट है तो पढ़ाएगा किसको? तो मन ने योग कमाना है, अगर वाणी एब्सेंट है, हाय बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट, हाजिर में गैर हाजिर, बेटे हाजिर में गैर हाजिर, शरीर का पता तो है लेकिन मन का पता नहीं, ऐसे भी योग नहीं कमा सकते। योग वो कमाती है जहां उनका तन है, वही तो भगवान ने कहा वो कम बख्त है, कभी भी योग ना कमा पाएंगे। वो शेख जो है मैल खड़े करते रहे, शेख चिली की तरह बातें बनाते रहे मानसिक रूप में, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में इंटायरली निल निल निल, कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो। हाँ, जिन्हें तरीके से भगवान के बताए हुए अनमोल उपाय अभ्यास और वैराग्य से बड़ी दिलचस्पी लेकर, बड़ी रुचि लेकर जो ये दोनों संपन्न किए जा रहे हैं, उनके लिए भगवान ने कहा आसान है उनको योग कमाना और महाराज जी की जात में तल्लीन हो जाना, अंतःकरण को निर्मल कर लेना। अगर नफ्स पर जब्त कामिल नहीं तो फिर योग इंसान को हासिल नहीं, मगर नफ्स पर हो जिसे इख्तियार मुनासिब वसाइल से हो कामगा। ऐसे जीवों को कामयाबी खुद आके शेकन करती है, सफलता खुद आके आपके इंट्रोडक्शन अपना भी देती है और आपका भी लेती है, खुद ही आपको शिकन करेगी। क्या सफलता, कामयाबी, जो जुट गए जो भगवान जी ने तरीके बताए उस तरीके को मोस्ट सीरियसली एंड सिंसियरली एंड डिवोटेडली थिंग एंड नो मोर, इसी में रह जाते हैं खास अच्छे बात। लेकिन चंद एक जीव जरूर आप जैसे रहेंगे जो केवल इतनी ही इतने में ही जिंदगी के का अंत नहीं समझते, बल्कि कुछ और करना चाहती है। वो समझती है अगर खाना पीना और भोगना ही है तो हमारे में और हवान में अंतर क्या, इंसान हवान में कोई अंतर ही ना, वो भी यही कर रहे हैं ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, और हमने भी यही किया तो कोई फर्क ना हुआ हवान इंसान में। तो ये जो आप जैसे रोशन जमीर हैं जिनकी बुद्धि का अच्छा खासा विकास हो चुका है, वो इसके आगे निकलना चाहती है, इंसानियत को पकड़ना चाहती है, मानवता के प्यारे बनना चाहती है, वो अपने माइंड तन के लेवल से ऊंचा उठना चाहती है। हाय, तन और मन से जो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते वो हाजिर में हाजिर रहती है, जहां तन वही मन है। वरना आम ये बीमारी बढ़ चुकी, चाहे कितने हम एजुकेटेड है, तन कहीं है मन कहीं है, तन तो घर में है बट माइंड इज कंसर्न्ड वो कहां से कहां जाकर रैम्बलिंग, और वो योग कमाने में कामयाब हो जाते हैं। देखना बच्ची, भगवान ने अपनी पिछली बात पर अनुरोध किया है, अनुरोध पूर्वक कह रहे हैं कि जो सही तरीके जो भगवान ने पिछली मुख से कहे गए उसको हम अपनाते गए तो मन अंतर्मुखी हो जाएगा। अगर नहीं अपनाया, सिर्फ हम बातों के धनी है, हाय कर्मों के धनी नहीं बातों के धनी, तो ऐसे व्यक्ति कहीं के नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान ने कहा होपलेस होपलेस होप इंटायरली होपलेस, कि तरीके अख्तियार नहीं कर रहे और मन में बात बनाते हैं कि हम अपना कल्याण करेंगे। हमने जो है ना, हमने पुलाव बनानी है, हमने कस्टर्ड बनानी है, हमने परौंठे बनानी है, आलू के परौंठे बनाने हैं, मक्की के परौंठे बनाने हैं, हमने साग बनाना है, 100 बार कह लो बन जाएंगे क्या? ये सारे व्यंजन तैयार हो जाएंगे? कदापि नहीं। अगर अक्षता, अगर भगवती आप ना कहते हमने ये बनाना बनाना तैयार शुरू कर दो, जो भी आपने कहा परौठे बनाना तैयार करो, आलू भूनो और आलू आटे में डालो और परौठे तैयार करो, बोलो मत करके दिखाओ। इससे जो ये बकबक करते हमने योग कमाना, हमने प्रलोक बनाना, हमारे पिताजी ने योग कमाया था, हमारे दादा ने कमाया था, हमारे हम ऋषियों की संतान है, ऋषियों की संतान कुछ ना कुछ जरूर करेगी, ये करेगा वो करेगा, ये बातें बनाती है, पोस्ट देती है,
चूहे का बच्चा जब भी बड़ा होगा बिल खोदेगा, शेर का बच्चा जब भी बड़ा होगा वो धाड़े मारेगा हाथी के ऊपर, हम ऋषियों के संतान है, हम योग कमाएंगे, चोटी पर पहुंचेंगे, ऐसे कहने से क्या बनेगा? अगर हम इसे क्रियात्मक रूप नहीं देते तो, अगर हम बच्चे इसे प्रैक्टिकल, आजकल बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बना जाएंगे, जो बातों में देखो तो लुकमान है, अमल में जो देखो तो नादान है। आजकल बातों के धनी बहुत नजर आएंगे, और जो बातों का धनी होता है वो करते नहीं है, और जो करते गए वो बोलते नहीं है, पर्दों में जो रहता है वो बोला नहीं करते। आपको अनुभव ना हो तो, पर्दों में जो रहते हैं वो बोला नहीं करते, और बोलने वाले कभी पर्दा नहीं करते। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। जिन्हें कुछ कर दिखाना है दे आर कीपिंग मप, दे डोंट चैटर लाइक एनीथिंग, दे आर नॉट टॉकेटिव, वो चुप रहेंगे, अपना समय प्रैक्टिकल रूप में लगा देंगे। याद रखना बेटी, नहीं तो आपने सुना है थोथा चना बाजे घना, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, थोथा चना बड़ी आवाज आती है, और जो सालन चना हो उसमें आवाज नहीं होती, चुपचाप अपना काम कर दिखाएगा। तो थोथे चने नहीं बनना, आप में से अगर किसी में ये कमजोरी हो तो प्लीज इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर निरीक्षण कीजिएगा, और इस कमजोरी को भगवान के किसान मूल कथन के अनुसार फौरन हावी आइए, ओवर पावर आ जाइए, बस बोले बोले से हमारा व्यवहारिक जीवन नहीं बनता, और व्यवहारिक जीवन बनता है तो बोलना बंद। सियाने कहा करते हैं पूरी कढ़ाई के अंदर है हाँ, और आवाज दे रही है, पूरी में अगर आवाज आ रही है तो पूरी में पानी का तत्व है, अभी कच्ची है कच्ची है कच्ची है, बड़ा अच्छा दृष्टांत है ये। अगर पूरी में शू 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 तो शू शू किसकी है, ये पानी की है, पूरी कच्ची है। अब जब देखिए पूरी की आवाज बंद तो पोने से फौरन बाहर निकालो, पूरी सड़ जाएगी, पूरी तैयार हो चुकी है, पूरी पक गई है, निकालो बाहर चुका, आवाज नहीं आ रही। इसलिए सारे कहते हैं जो इंसान बोलते रहती हैं वो कोई चोटी का काम नहीं कर दिखाते, और जिन्होंने बोलना बंद कर दिया चंद दिनों में वो एक रिमार्केबल के काम करके दिखाएंगे, रिमार्केबल अप्लॉडेबल एंड एप्रिशिएबल काम कर दिखाएंगे। इसलिए अगर गलती हो बोलने की, कई बच्चियों में ज्यादा बोलने चलते, अगर ज्यादा बोलोगे तो आपकी शक्ति बोलने में नाश जाएगी, तो ये मार्ग जो है ये व्यवहारिक है, बोलने का नहीं करने का है, ये मार्ग कर दिखाने का है, सोचने का है, मनन का है, बोलने का नहीं। दो चार बैठ जाए, मैंने ये कर दिखाना है, मैंने घंटा ध्यान लगाना है, मैंने इतना जाप करना है, मैंने हजारों में जाप करना, अरे कहने की क्या जरूरत है, कर दिखाओ, कहने वाले तो करते नहीं है, और क्या क्या कमाल की बात है, कहने वाले करते नहीं है और करने वाले बोलते नहीं है, वो चुपचाप अपना मस्ती से किए जा रहे हैं, अपने आप को लगाए जा रहे हैं। अगर कहीं कमजोरी नजर आती है तो प्लीज चेक एंड ओवर पावर, इतनी चर्चा सुन लेने के पश्चात उस समय के उच्च कोटि के जिज्ञासु या इस मार्ग पर सच्चाई के पुतले अर्जुन के मन में हैरत हुई, बेटी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या भगवान तो यूं कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने मन पर निगरानी किया वो कोहलू के बैल की तरह एक ही जगह में रोटेशन में रह जाएंगे, और जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है तो वो कारगर साबित होंगे, बहुत ही अपने लिए और समाज के लिए बड़े ही गुणकारी साबित हो जाएंगे। एक प्रश्न उठा, ये स्वाभाविक प्रश्न है, हर एक के मन में यदा कदा ये उठ ही सकता है या उठते रहता है, तो अर्जुन का प्रश्न हम सबका प्रश्न है। अर्जुन उवाच, अयति शर्द्या उपेता योगा चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, हरिओम हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। फिर अर्जुन ने पूछा, भटकता है जो, बहुत कमाल का प्रश्न, आज हम शायद प्रश्न ही प्रश्न सुन पाए, बहुत शानदार। फिर अर्जुन ने पूछा, भटकता है जो इसी राह में सरल, भटकता है जो अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ कर रहा है, श्रद्धालु भी है और बातें बुलाने वाला नहीं, बातों का धनी नहीं है, कर्मे को धनी है, कुछ कर रहा है, जुट रहा है, श्रद्धालु भी है और कुछ करने वाला भी है, अकीदत तो है, श्रद्धा है, लेकिन जैसे आप फरमा रही हैं इतना जुटाओ नहीं, जैसे मेरे प्रभु आप कह रहे गए
कि जुड़ जाती हैं, लग जाती है, मन को अंतर्मुखी बना लेती हैं, एकाग्र हो जाती हैं, मेरी जात में तलीन होकर अपना परलोक बना लेती है श्रद्धा तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग एंड प्रीचिंग इतने उन्होंने मन का स्तर बनाया नहीं मेरे प्रभु, इतने तो मन का स्तर या मन का स्टैंडर्ड नहीं बनाया उन्होंने, अकीदत तो है जाफशानी नहीं, जाफशानी स्ट्रगल, उनके मन में फेथ तो है बट अकॉर्डिंग टू द फेथ स्ट्रगल इज नॉट सो हाई, स्ट्रगल इज देयर बट नॉट सो हाई, नॉट सो मच गुड स्टैंडर्ड, स्ट्रगल इतने स्टैंडर्ड पर नहीं पहुंची। तो प्रभु मेरे मन में शंका पैदा, कही अर्जुन अकीदत तो है जाफशानी नहीं, अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं, बहुत सुंदर, क्या वो श्रद्धा से अपना कल्याण कर जाएगा, आपके प्रति श्रद्धा है, योग के प्रति श्रद्धा है, लेकिन जुटाओ नहीं, इतना रात को जागना नहीं, इतना एकांत में बैठना नहीं, इतना मनन करना नहीं, हाँ इतने अपने आप के अंदर गोता मारना नहीं, अकीदत तो है जापशानी नहीं, श्रद्धा तो है जुटाओ नहीं, इसमें हम बतेरे आ जाएंगे, बतेरे हम लज्जित होंगे, श्रद्धा तो है पर श्रद्धा के अनुसार जुटाओ भी है कि नहीं, जितना सत्संग में आती हैं, जितना गीता जी पढ़ती हैं, जितने भगवान के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा है, क्या उसके अनुसार हम जुटे भी हुए गए, कहीं हम देखते हैं घर में उनकी चार चार गैया हैं, पांच पांच छह छह भैंसी हैं, लेकिन हैं सर के तीले, ये दुबले पतले गाले बीच में धसी हैं, तो कहते क्या बात है तुम दूध नहीं पीते, तुम्हारे घर में गैया हैं, हमारे घर चार पांच गैया भैंसे भी हैं, हमारे बच्चे भैंसी हैं, कौन मानेगा, तुम्हारे शरीर को देख कर गाले बीच में चिपक रही है और हाथ दुबले पतले है, पैर आपके हिरनी के पैर की तरह है, तो कौन कहेगा आपके घर में इतने हैं गईये हैं और आपके एक डेयरी फार्म है आप घर के अंदर, हम तो दूध नहीं पीते, तो क्या मूत्र पीते हो, क्या पीते हो आप गैया का भैंस का क्या पीते हो, हम तो दूध नहीं पीते, तो क्या पीते हो, हम तो चाय पीती है, और एक बेटी कह रही थी हम तो दूध नहीं पीते, दूध तो पड़ोसी ले जाती है, तो तुम क्या पीते हो, जो बाकी लग लवेड़ होती है बाल्टियों में पानी डाल के हम उसकी चाय बनाते हैं, हाय क्या बेटी हो बैठी हुई है, ये मैंने पहली बार सुना कि दूध तो पड़ोसी ले जाती है, हाँ तो बाकी जो लग्न वेड हो गई उसमें पानी डाला तो सफेद सफेद तो बन गया कुछ, उसकी चाय बना के पीती है, शाबाश, तो फिर सेहत तो नहीं बनेगी ना, दूध तो है घर के अंदर, मानी उनके घर में एक मन एक वक्त का दूध है, दो मन सूर्य शाह का दूध है, लेकिन इतना प्याओ नहीं पीते नहीं है, दूध तो है श्रद्धा तो है जाफशानी नहीं, दूध तो गए पर इतना पान नहीं करते, दुग्ध पान नहीं है, दुग्ध पान नहीं है, दूध की प्राप्ति तो है पर दूध पिया नहीं जाता, दुग्ध प्राप्त तो है, श्रद्धा तो है पर श्रद्धा के मुताबिक साधना नहीं हो रही, श्रद्धा के मुताबिक जुटाव नहीं हो रहा, तो प्रभु उनकी श्रद्धा उनको कहीं ले भी जाएगी कि नहीं, उनकी श्रद्धा उनका कल्याण करेगी भी सही कि नहीं, बड़ा विचित्र प्रश्न है, समझने की कोशिश करना, उनको भगवान के प्रति श्रद्धा तो है हा, लेकिन जुटते नहीं है, आजकल हमारा हिंदू धर्म इसी अवस्था में जा रहा है, आजकल हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालु बस बातों के धनी बन रही है, टाल खड़काना, मंदिर में जाके चनामत ले आना, भोग ले आना, भगवान का जोर के कीर्तन चला देने, बस दैट इज ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस, आगे जुटाओ नहीं, ये नहीं कि मैं अपने जीवन में भगवान जी की वाणी को अपना लूं, व्रत भी रखेंगे, भूखे भी मरेंगे, एकादशी भी रखेंगे, पूर्णिमा भी रखेंगे, व्रत रखने का उन्होंने ठेका ले रखा है, लेकिन अपनाने का ठेका नहीं, जीवन में उतारने का ठेका नहीं, ये बात उनको समझ ही नहीं आती कि जो आमल नहीं मेरी तलकीन पर, कि जो जब तक कोई अपनाएगा नहीं, ये बात उनको कौन बिठाए, अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार जाएगा तू, कि जब तक भगवान जी की वाणी को अपने मन में बिठा नहीं लिया जाता तब तक जीव नाना प्रकार के कलेशों मुसीबतों से बच नहीं सकता, आहा जब तक उसे अपनाया ना जाए, जीवन में ढाला ना जाए, आहा महापुरुष तो अपना आलाप गए, पर अपनाने वाले ही आजकल बड़े अजीब किस्म के हैं, सुनने का शौक है अपनाने का शौक तो है नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश, आप ना ऐसे ब्लैक शीप बनना, बेटे आप ना काली भेड़ बन करके भा भा करते रहना, अपनाएंगे रंग लाएंगे हम जरूर अपने जीवन में उतारेंगे, जैसे भगवान जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए, तो क्या कह रहे अर्जुन का प्रश्न देखिए जरा, अकीदत तो है, हाय अर्जुन कमाल कर गया, अकीदत तो है श्रद्धा तो गए लेकिन जाफशानी नहीं, अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं, ऐसी श्रद्धा जो उनको भगवान के प्रति है प्रभु, श्रद्धा में पार बन जाएंगे, उनको उड़ा के ले जाएगी आपके जात में, आपके एग्जिस्टेंस में उनको एक में कर देगी, नहीं अर्जुन है भगवान कैपिटल नो कहती है, कैपिटल नो मोटे अक्षरों में नो कह दिया, नहीं है,
श्रद्धा तो है। भगवान कहते हैं वो श्रद्धा भी क्या श्रद्धा हुई जो श्रद्धा हमारे व्यवहारिक में ना आए। आपके पास 4 लाख रुपया, अरे सेठ जी 4 लाख भी क्या मैंने रखता है, धोती आपकी फटी हुई, कितने रोशनदान है धोती के अंदर, जरा कमीज देखिए कितने आपकी खिड़कियां हैं कमीज के अंदर। तो ऐसे 4 लाख 5 लाख आपके बैंक बैलेंस है, क्या फायदा अगर आप जरूरियात जिंदगी में उसे लगाते नहीं। गुड, सब्जी कब बनाई थी सेठ जी? सब्जी 4थे दिन बनाई थी। 4थे दिन तो खाते क्या हो घर में? अचार पड़ा जी, अचार से रोटियां खाई जा रही है, 5 लाख बैंक में जमा है। बहुत अच्छे, कपड़े फटे पुराने हैं, आप पैरों में जूता क्यों नहीं पहनते? सेठ जी से पूछा गया, तले घस जाते हैं, तले घस जाते हैं। एक आया करते थे, कितने आप हंसते थे, वो यहां आके जूता पहनते थे, बाकी बगल में जूता दबा के लाते थे। वाह मेरे परमात्मा वाह, क्यों? रस्ते में तले घस जाते हैं तो पैर भी घिसेंगे, पैर भी तो तले रखते हैं, पैर की जो सोल है। तो ऐसे जीव को हम हैरान करेंगे, धन क्या साथ लेके जाएंगे, जो खा जाएंगे या न दे जाएंगे वो छाती पे धर कर ना ले जाएंगे। क्या वो छाती पे धर के रख के रुपया ले जाना धर्मराज के पास? कदापि नहीं। तो फिर क्यों फायदा हुआ रुपए का? इसी तरह उस श्रद्धा का भी क्या फायदा जिस श्रद्धा के अनुसार साधना न की गई, जुटे न गए, लगे नहीं, रात नहीं उठे, दोपहर को नहीं उठा, गप्पे शप्पे छोड़ी नहीं, हजू में खलायक से नफूर नहीं हुए, अलग रह के अपने आप को साधना की नहीं, एकांतवासी नहीं बने, लोकांत में रहे एकांत में ना रहे, तो कोई श्रद्धा फिर भगवान मानती नहीं। श्रद्धा तो वही है जो हमें मजबूर कर दे, धन तो वही है जो हमें जरूरियात जिंदगी में लगवा दे, हम उसमें कंज्यूम करें। इस तरह देवी भगवती श्रद्धा वही गए जो हमें भगवान का नाम जपाए, सत्संग करवाए, गीता पाठ करवाए, अपना निरीक्षण कराए, मेरे में ये कमजोरियां हैं, इस पे मैंने हावी आना आना जरूर आना है, अब किसके बाद मेरे ये कमजोरी अपने आप में नहीं देखनी, तब तो हम मानेंगे श्रद्धा है। पर श्रद्धा सिर्फ जबानी जमा खर्च करने की, श्रद्धा सिर्फ बोलने की है और अपनाने की नहीं। तो भगवान कहते भाई ऐसे जीव क्या हो गए? वो भगवान ने दोनों जवाब दिए हैं, अर्जुन ऐसे जीवों का मैं नाश तो नहीं होने दूंगा पर ऐसे जीव मुक्त नहीं होते। देखना देखना क्या करेंगे, आवागमन से छूटेंगे नहीं, नाश तो नहीं होगा उनका, वो रहेंगे लेकिन उनका नाश नहीं होगा। अर्जुन इसको आगे आगे बढ़ता जा रहा है, अर्जुन इसको क्लियर कर रहा है। कभी दस्त जो मोह में फंस गया, अभी वृत्तियों पर पूरा हावी नहीं आया, कभी मोह निर्मोही बन जाता है, कभी फिर मोही बन जाता है, कभी वैरागी बन जाता है, कभी फिर रागी बन जाता है, तो ये अप डाउन उसमें रहती है। राहे हक में जो डगमगाता रहा, इस मार्ग में रन थ्रू नहीं जा रहा बल्कि मालगाड़ी की तरह रुक रुक के चलता है। मालगाड़ी जिस स्टेशन पे खड़ी होती है घंटा घंटा रुकी रहती है, रन थ्रू गाड़ी तो कुछ और है। शाबाश, तो क्या वो यहां और वहां से गया? क्या ना लोक का रहा ना परलोक का रहा? जो बादल फटा आसमां से गया, जैसे सर्दियों के बादल अभी जनवरी में बरसात शुरू होगी तो बादल इतना पानी नहीं रखते, जोर की वायु को झोंकाता है बादल तितर बितर हो जाते, कोई बादल टूट गया टुकड़ी इधर टुकड़ी उधर टुकड़ी उधर, सावन में ऐसा नहीं होता, सावन में बादल सघने होते हैं और सर्दी के बादल जरा नरम होते हैं, उनको हवा टुकड़े कर देती है। तो क्या बादल की तरह फट जाएंगे? ना लोक के रहेंगे ना परलोक के रहेंगे। करे मेरे इस शक को भगवान दूर, भगवान जी ये शक ने आकर मेरे अंदर हलचल मचा दिए मेरे प्रभु, करे मेरे इस शक को भगवान दूर, तबीयत को हासिल उर्फा का नूर, जो आपने ज्ञान दिया है वो मेरे मन में बैठे, आप मुझे शक को दूर करो, कोई आए आगे कमाल कर दिया, कोई दूसरा है जहां में कहां, करे दूर मेरे जो वहम गुमान, आपके सिवा में किसी को नहीं जानता जो मेरे शंका को दूर करे, आप ही एक हाईएस्ट और फाइनल अथॉरिटी है मेरे लिए जो मेरी शंका का समाधान करके मेरा कल्याण कर सकती है, और मैं किसी को नहीं जानता ब्रह्मा विष्णु महेश को, और मैं किसी को नहीं जानता किसी चोटी के गुरु को या नारद जी को, केवल आप ही मेरी शंका का समाधान करके इस चोटी के ज्ञान को मेरे अंदर बसा सकते हैं, बसाने में आप समर्थ हैं। ये इसे बोलते हैं देवी सजनों अनन्यता, इसे भगवान ने कहा जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखे हुई, एक ही मन से अपने महाराज जी की ओर जुटे हुए हैं, एक ही एकाग्रता से अपने आप को जुटा रखा है, उनके लिए मेरे भगवान कहते हैं ऐसे ये बाजी ले जाएंगे, ऐसे जीव कमाल कर दिखाएंगे, अपना कल्याण कर जाएंगे, जो ऐसे जीव ऐसे जुटे हुए हैं लगे हुए हैं जिनको भगवान के सिवा और कहीं भी श्रद्धा नहीं, कहीं मान आया हुआ नहीं, लगन हो किसी से न जिसकी लगी, एक में मन लग गया उनके मन में जुट गया कि भगवान में अपने आप को लगाना ही अपना लोक प्रलोक बनाना है।
इसलिए उन्होंने मन चारों ओर से खींच लिया है। अपने फराइज अपने कर्तव्य कर्म तो पूरे कर रही है, लेकिन मन लगा के मन फंसा के मन को इंटेंगल करके नहीं, मन को कवल के पत्ते की तरह निराले रखते हुए, जैसे हमने कई बार सुना रोशनी चांद से आती है सितारों से नहीं, दिल एक को दिया जाता है हजारों को नहीं। जिन्हें अपने मन को खींच के अपने भगवान में लगा लिया, भाई उनके तो क्या कहने, वो तो अपने साथ अपनी दोस्ती कर रहे हैं, अपने साथ हितैषी हैं, लेकिन जिन्होंने मन बांटा हुआ है कुछ योग के साथ कुछ भोग के साथ, ऐसे जीव ना योगी बनते हैं अच्छे ना भोगी बनते हैं, बेचारे कहीं भी इंसाफ नहीं कर सकते। ऐसा प्रश्न किया अर्जुन ने, कमाल कर दिया कि प्रभु आप मुझे बतलाइएगा, मेरे मन में ये शंका खड़ी होगी है क्या बनेगा ऐसो का, क्या होगा मेरे प्रभु ऐसो का। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।